हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल विच इज़ इंडियन नेपाली गर्ल। और आज हम लोग वो भैया के घर से डायरेक्ट एक दीदी के घर में आए हैं लंच करने के लिए, और उन्होंने बुलाया था हम लोग को। फिर इसके बाद हम लोग कहीं आज घूमने जाएंगे, बट पता नहीं कहाँ जाएंगे, वो भी आप लोग को वहाँ पर मैं जाके दिखाऊँगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एकदम मैं अभी ब्लॉग बनाने के लिए ये खेतों के बीच में आके बना रही हूँ। और इसके बाद हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर वहाँ भैया के घर जाएंगे, जाके वहाँ पे ड्रेस चेंज करके देन हम लोग घूमने जाएंगे, और सारे फैमिली एक साथ जाएंगे। और इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि सबको इतने अच्छे, इतने मीन्स इतने सालों के बाद मिली हूँ, फिर भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से बात कर रहे, इतना अच्छा मीन्स रेस्पेक्ट कर रहे, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। नेपाल फर्स्ट टाइम आके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, और मैंने आज पूरा सलवार वलवार पहन के मैं लंच करने आई हूँ दीदी के घर, और ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। और आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी हम लोग लंच वंच करके फिर से भैया के घर आ गए, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घूमने सारे फैमिली। इस मेरे बड़ी माँ के सब डॉटर, उनके बेटे, भाभी मिस बहू, मिस मेरी भाभी, भैया, सबको ही जाएंगे घूमने। और कहाँ जाते हैं वो आप लोग को वहीं पे जाके दिखाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ, इसका नाम है सीजी, बट ये शायद टेंपल है या क्या अभी तक पता नहीं, वो तो जाके ही पता चलेगा।
पे ज़्यादातर बौद्धिस्ट के स्टेचूस है और म्यूज़ियम भी है जहाँ पे बौद्धिस्ट धर्म के बारे में बहुत सारा कुछ बताया गया है। और साइड में शायद टेंपल भी होगा, मुझे वो टेंपल का घंटी का आवाज़ सुनाई दे रहा है और वो देखते हैं जाके। ये शायद कोई टेंपल है और इसका ना इवनिंग के टाइम में अभी पूरा कलर चेंज हो रहा है, कभी पिंक, ये देखिए पिंक, कभी कुछ कलर चेंज हो रहा है। और शायद साइड में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत लेट हो चुका है, शायद घूम पाएंगे कि नहीं। और साइड में बौद्धिस्ट का और कोई कोई अलग अलग भगवान का टेंपल सब है। देखिए अभी कलर चेंज हो गया, अभी रेड हो गया पूरा। और हमारे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये जो टेंपल है वो है शिव जी का टेंपल है। और जो भी हम लोग नेपाली में बोलते 33 कोटि देवता जो है, वो सब साइड में है। जितने भी 33 कोटि देवता का जो टेंपल है वो सारा साइड में है। और जो मेन शिव जी का टेंपल है ये है, ये वाला। और इसका ना इवनिंग टाइम, अभी इवनिंग हो गया है तो इसका कलर चेंज होते रहता है। अभी ब्लू है, थोड़ा बाद में पिंक होगा और फिर रेड होगा। मुझे अभी पता चला, मैंने पूछा यहाँ के जो भी स्टाफ्स है, जो भी यहाँ पे सेवा करते हैं, उनको पूछा, मेन है ये शिव जी का टेंपल, शायद हम लोग को दर्शन करने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं उधर गई नहीं हूँ। का इतना सुंदर टेंपल मैंने तो अभी तक देखा नहीं, बट बहुत ही सुंदर है। बट हम लोग आने में बहुत लेट हो गया, अगर थोड़ा उजाला होता तो और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता, बट अभी यहाँ पे लाइटिंग का मीन सिस्टम में इतना लो है, मैं कुछ इतना अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। और मैं अभी लाइट के सामने बैठ के ये ब्लॉग बना रही हूँ। आगे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि शिव जी, काली माता, हनुमान जी, कृष्ण जी और जो हमारे बौद्धिस्ट धर्म के हैं वो भी सारे यहाँ पे म्यूज़ियम है, उनके बारे में बताया गया है कैसे है क्या है। लेकिन अभी ये इतना ख़राब लग रहा है कि अगर और ज़्यादा उजाला टाइम में आती तो और अच्छे से मैं ब्लॉग बना पाती और आप लोगों को भी दिखा पाती। बट जो भी है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे समुद्र मंथन कैसे किया गया था वो दिखाया गया है।